नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल न्यूज़ के अलावा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों के बारे में बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहां पे जो सबसे पहले खबर आ रही है वो आ रही है इंडोनेशिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया ने रशिया के साथ मिलकर एक करार साइन किया है जिसके तहत अब वो रशिया से SU-35 फाइटर प्लेन्स लेने वाला है। जी हाँ, ये डील उसकी $1.1 बिलियन में कंप्लीट हुई है और $1.1 बिलियन के अंतर्गत रशिया इंडोनेशिया को 11 फाइटर SU-35 देगा। जी हाँ, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के अलावा अब इंडोनेशिया रशिया का एक दूसरा कस्टमर बन गया है SU-35 लेने वाला। तो उसे इंडोनेशिया भी चाहता है कि उसके पास भी भारत की तरह अपने SU-35 खुद के लड़ाकू जहाज हो, क्योंकि जैसा कि अब ये डील हुई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि एक साल के अंदर रशिया इंडोनेशिया को SU-35 जो फाइटर प्लेन है उनकी पूरी खेप उनको पहुंचा देगा। तो उससे यहाँ पर जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसरो अब 2019 और 2020 के बीच में एस्ट्रोसेट 2 को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, एस्ट्रोसेट 2 एक ऐसा जिसे कह सकते हैं कि सैटेलाइट है जो कि ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और उसको फिर ये धरती पर भेजता है। दोस्तों, एस्ट्रोसेट 1 जो था 2015 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद अब वो एस्ट्रोसेट 5 साल के बाद उसको फिर से नया बनाकर भेजा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली खबर आ रखी है वो आ रखी है भूटान की तरफ से। हाल ही में पिछले साल की जहाँ तक बात करें, जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था, इस विवाद के बाद से तब से भारत का दौरा भूटान में बढ़ गया है। हाल ही में अजीत डोवाल, विजय गोखले और विपिन रावत ने भूटान का दौरा किया है। इस दौरे से चीन की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि डोकलाम पर भारत ने ही उसको रोक के रखा हुआ था, क्योंकि चीन चाहता था कि डोकलाम पे वो अपनी पर्सनल सड़क बनाए और वो कुछ ना कुछ हिस्सा भूटान का लेना चाह रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस काम को फेल कर दिया। इसके बाद से भारत ने डोकलाम पे अपनी जो कहते हैं गतिविधियां उनको बढ़ा दिया, जिसके पीछे दोस्तों एक वजह और समझ में आती है, क्योंकि दोस्तों भूटान में अभी भी जो है राजशाही है और भूटान हमेशा से भारत का एक दोस्त रहा है, लेकिन भूटान के साथ हमारा एक करार भी है जिसके तहत कहा गया है कि भारत ही उसकी रक्षा करेगा और भारतीय सेना इसीलिए वहाँ पर मौजूद रहती है। तो दोस्तों, इससे चीन की टेंशन और बढ़ सकती है कि आखिर भारत और भूटान के बीच में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगली खबर आ रही है वो खबर आ रही है चीन की तरफ से। चीन ने फिर से अपना पर्सनली एक ड्रोन बना लिया है जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस जो ड्रोन की जो अधिकतम हाइट है वो रहेगी 7 किलोमीटर, ये ज़मीन से ऊपर चलेगा और इसकी रेंज भी काफ़ी हाई रखी गई है। दोस्तों, ऐसे में हम लोगों के लिए यानी कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक ये विषय है कि आज तक हम लोगों ने अपने खुद के कुछ कोई ड्रोन तो हम तैयार नहीं कर पाए हैं और अमेरिका के खासतौर अमेरिका से ड्रोन पर हम लोग निर्भर रहते हैं। इस चीज़ में भारत सरकार को इस चीज़ को गौर से इस चीज़ पर अपना ध्यान रखना चाहिए कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं खुद अपना ड्रोन बनाए, अपना नेविगेशन सिस्टम बनाए, जिसके तहत सिक्योरिटी के पर हमें किसी और देश पर निर्भर ना रहना पड़े। चीन लगातार सिक्योरिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये हमारे लिए एक तरह से सबक है कि हम लोगों को भी अपने ड्रोन खुद के तैयार करने चाहिए। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Hyperloop 1 से लेकर। जी हाँ, जल्द ही भारत Hyperloop बुलेट ट्रेन को लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, ये ट्रेन 20 मिनट में मुंबई से पुणे तक जा सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड रहेगी 1223 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, और ये ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच में 442 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और जो डिस्टेंस होगा वो 7 मिनट के आसपास का होगा। दोस्तों, इसके अलावा ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा दूसरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है कॉनकॉर्ड। जी हाँ, कॉनकॉर्ड एक ऐसा सुपरसोनिक विमान बनने वाला है जो कि 2180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और 4 मिनट में मुंबई से पुणे तक का सफ़र तय कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मुंबई और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर का और अब वो 150 किलोमीटर मात्र 4 मिनट में इस कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक विमान से पूरे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें दें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।